ऑल राइट गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेसन विच इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको वीडियो पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। So welcome friends, in this screen you can see कि block move का use कैसे किया है और move का instruction कैसे हमने use किया है। और अगर ना last video देख लेंगे तो ज़्यादा clear हो जाएगा, और फिर भी मैं एक बार इसको example समझा देता हूँ जल्दी से। In this instruction when M10 will be on, देन ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि D0 सपोज दैट मैंने सोर्स, दिस इज अवर सोर्स एंड दिस इज अवर डेस्टिनेशन एंड दिस इज K4 मीन्स नंबर ऑफ बिट। नंबर ऑफ बिट मीन्स D0 की वैल्यू 100 में जाएगी, D1 की वैल्यू 101 में जाएगी, D2 की वैल्यू 102 में जाएगी, D3 की वैल्यू 104 पे जाएगी, तो इस तरह 103 में जाएगी। सेम ऐसी सिक्वेंस बाई डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस मीन्स इस सिंगल बिट से हम सिंगल इंस्ट्रक्शन से हम चार वैल्यू मूव कर सकते हैं। सेम लाइक दिस अगर 4-5 लिखेंगे तो सीरियल वाइज वैसे ही मूव होता रहेगा। M11 जब ऑन होगा तो क्या होगा, इसमें मैंने वैल्यू मूव कराई है जस्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन को समझने के लिए। जैसे ही होगा तो ये 1 वैल्यू जो होगी वो D0 में ट्रांसफ़र हो जाएगी, 50 वैल्यू D1 में ट्रांसफर हो जाएगी जब M12 ऑन होगा, सेम M13 जब ऑन होगा तो 25 वैल्यू D2 में ऑन ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिल मूव वैल्यू क्या है? फिल मूव वैल्यू की मतलब ये हो कि किसी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को कई डेटा रजिस्टर में मूव कराना है अगर मुझे, तो क्या होगा कि उस वो डेटा रजिस्टर में कंटिन्यू मूव जाएगा। 4 मीन्स किस नंबर मीन्स D0 D1 D2 D3 मीन्स 100 वैल्यू एक ही इसी इंस्ट्रक्शन से D0 में भी चली जाएगी, D1 में चली जाएगी, D2 में चले, D3 मीन 4 बिट हमने यूज करी है डेटा ट्रांसफर के लिए। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। आई होप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे आप लोग कैसे होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। मैंने क्या के लिए एक M16 की बिट ली है और यहाँ पे प्लस मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं। आप सिंपल इसमें प्लस लिखेंगे, प्लस का सिंबल, देन D1, देन D2, और इसको मैंने D200 में जो भी वैल्यू एडिशन होके आएगी वो मैंने D200 में सेव कर दिए। ओके, सेम लाइक दिस। और अगर मुझे D1 की वैल्यू D2 से माइनस करनी है तो 200 में सेव होगी। सेम ऐसी प्लस की जगह आप सिंपल माइनस का साइन यूज कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। ओके, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल करते हैं। यहाँ पे जाके आप कंपाइल कर दीजिए इस प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद यहाँ से आप सिमुलेशन मोड में हम चले जाते हैं। सो इसमें कोई एरर नहीं है, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टैंड। चलिए अब हम क्या करते हैं, बिट को मूव कराते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव M11, देन M12, M13 एंड M14। सी ये इंस्ट्रक्शन आने के बाद ये सिंपल 1 और 50 और 25 इसमें ट्रांसफर होगी। जैसे ही हम M10 को ऑन करेंगे, D0 की वैल्यू 100 मूव हो गया, बी ब्लॉक मूव इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 50 वैल्यू मेरी यहाँ पे आई हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ भी एडिशन होके नहीं आया, लेकिन D1 की वैल्यू 50 आ रही है, D2 की वैल्यू 25 आ रही है। तो जैसे ही मैं इसको M16 को एग्जीक्यूट करूँगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 75 आ गया। ओके,
एंड जैसे ही मैं उस M17 को वही डिफरेंस मुके यहाँ पे 25 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये दोनों आउटपुट एक साथ आपने ऑन कराइए, इस दोनों आउटपुट को एक साथ ऑन ऑन करा के इसको हम डेटा स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में आ जाते हैं। यहाँ पे इसको F2 दबा के हम एडिट मोड में चले जाएंगे, इसका डेटा रजिस्टर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, इसको कर दीजिए 201, मीन डिफरेंस की वैल्यू किसी दूसरे डेटा रजिस्टर में सेव करानी है मुझे, और इसमें जाके कंपाइल करके F4 दबा दीजिए, ठीक है। देन अगेन सिमुलेशन मोड में स्टार्ट करते हैं। अगेन M10 को मैंने मूव किया, D0 50 25। जैसे मैं M17 को ऑन करूँगा तो मैं देखिए डिफरेंस 50 में 25 माइनस हुआ तो 25 हो गया, ये 75 एडिशन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सेम लाइक दिस हम इसी वीडियो में सीख लेते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम जब भी कोई एनालॉग सिग्नल का चेंज करते हैं तो उसमें इन सब चीज़ों का डेटा रजिस्टर के वैल्यू को मूव करा के उसको एडिशन सब्सक्राइब करके पल्सेस को करते हैं। चलिए हम यहाँ पे F2 दबा के एडिशन एडिट मोड में आ जाते हैं, देन इसी को कॉपी कर लेते हैं या कोई एक M18 बिट ले लेते हैं, ओके। आप सिंपल इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको जगह मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ले लेते हैं, उसके बाद ये हम लाइन खींच देते हैं। सेम ऐसे हम एक डिवीजन के भी ले लेते हैं, डिवीजन के लेने के लिए यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं, ओके। एंड सेम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए कंपाइल कर देते हैं, यहाँ पर जाके कंपाइल कर दिया। कंपाइल के बाद सेम सिमुलेशन मोड में जाते हैं, ओके। चलिए वैल्यू मूव कर देते हैं फिर से, अगेन M10 को ऑन करते हैं, M11 को आप शिफ्ट इंटर दबा के इसको फोर्स ऑन कर सकते हैं बिट को, ओके। सो देखिए अभी मुझे यहाँ पे M18 जैसे ही ऑन होगा D1 की वैल्यू D2 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे रिजल्ट को शो कर देगा। तो रिजल्ट अभी मैंने यहाँ पे सिंगल 201 ही लिया है क्योंकि मैं बाकी बिट्स ऑन नहीं करूँगा। सी लाइक दिस 50 एंड 25 का मल्टीप्लिकेशन 1250 आया, ओके। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, देन M19 को ऑन करूँगा डिवीजन होके यहाँ 2 वैल्यू मूव हो गई। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज़ द प्लस माइनस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो दिस कैन बी यूज ऑन द आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द वेन वी विल डू द प्रोग्रामिंग ऑफ द सर्वो मोटर और एंड सम पल्स बेस्ड प्रोग्रामिंग। सो गाइज आई थिंक यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड
Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends. We will come back soon for next video with the example. Thank you.